गुड़गांव से आंध्र प्रदेश जा रहे कंटेनर चालक मुकेश को अय्याशी के जाल में फंसाकर मारा गया था। आरोपियों ने डीजल और रुपये लूट के इरादे से कंटेनर चालक की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या के आरोप में गुड़गांव से पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शाहपुरा थाना इलाके के निठारा पुलिया के समीप कंटेनर में यूपी निवासी चालक मुकेश और पिंटू की लाश मिली थी। इस मामले में कंपनी के मैनेजर अहमद जॉन ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस टीम ने हाईवे स्थित टोल नाकों पर सीसीटीवी फुटेज देखी। इसके अलावा पुलिस ने कई शराब ठेकों सहित चोरी का डीजल खरीदने वाले होटल ढाबों पर भी पूछताछ की। जांच के दौरान कंटेनर में एक स्त्री और पुरुष के होने की जानकारी सामने आई। वहीं जांच में संदिग्ध आरोपी देवेंद्र कुमार के मोबाइल की लोकेशन जयपुर ग्रामीण की सीमा में पाई गई। इस पर पुलिस ने गुड़गांव में किराए से रहने वाले देवेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी ममता वर्मा को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने रुपये और डीजल लूटने के इरादे से चालक मुकेश की हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी देवेंद्र की माली हालत ठीक नहीं है। घर खर्च चलाने के लिए उसने अपनी पत्नी ममता को गलत धंधे में उतार दिया। दोनों पति पत्नी हाईवे पर चलने वाले ट्रक चालकों को अय्याशी के लिए इशारा कर रुकवाते थे। घटना से पूर्व कंटेनर चालक मुकेश ने भी ममता को अय्याशी के लिए गाड़ी में बैठा लिया और ममता का पति देवेंद्र भी गाड़ी में सवार हो गया। इसके बाद उन्होंने मुकेश की हत्या कर केबिन के पीछे शव को छुपा दिया था।